Today I am here with uh, some interesting topics, terms uh, relating to powers of iota. In uh, this is my second lecture on introduction to complex numbers for grade 11th students of mathematics. Now the very important and प्राइमरी थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज आयोटा जैसे आप इसको बेहतर जानते हैं इसके हमारे पास वैल्यू है माइनस वन स्क्वायर रूट और इसकी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो है माइनस वन अब हम जरा इससे हायर पावर्स की बात करते हैं तो लेट से मैं यहाँ पे इसका पावर ले रहा हूँ चूँकि हमारे पास जो इसका पावर है हम इं इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा पावर हमारे पास आएगा थ्री uh, जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं स्पेशली इसी नंबर का करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है प्योरली रियल नंबर माइनस वन है तो आयोटा क्यूब को हम इस तरह स्पिट कर सकते हैं अगर ये आठ पावर हो तो एक आयोटा को आलिदा करके और इसके साथ आयोटा स्क्वायर लिखते हैं तो एयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की कीमत है माइनस वन इट बिकम्स माइनस आयोटा इससे एक और बड़ा पावर लेते हैं तो आयोटा फोर आयोटा फोर चूँकि इवन नंबर है पावर तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन इसको स्क्वायर करके हमारे पास प्लस वन आता है फिर से मैं एक, एक और नंबर इससे बड़ा लेता हूँ आयोटा रेस्टू पावर फाइव चूंकि आउट पावर है इसे एक आलहदा करते हैं और फोर पावर यहाँ पे आलीहदा होता है इवन पॉवर में ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है नाव वी कैन चेंज आयोटा फोर टू आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायेयर एज the वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर is minus वन होल square, it बिकम्स आयोटा again. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरली जो वैल्यूज आ रही हैं वो फोर वैल्यूज़ हैं आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो है माइनस वन फिर आयोटा क्यूब जो आर्ट पावर है इसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा आयोटा फोर इसकी ये वैल्यू हम हमारे लिए बहुत कारामद है तो आयोटा का पावर अगर फोर पे एग्जैक्टली exactly डिविजिबल हो मीन्स अगर ये आयोटास्टो पावर फोर है तो इसकी वैल्यू प्लस वन है अगर ये एरोटाइस्टो पावर एट भी हो जाए इसके मुकाबले में आयोटा एरेस्टो पावर एट हो जाए तो तब भी इसकी वैल्यू वन होगी इसको सिम्प्लीफाई करते हैं बिल्कुल स्टेप से आरोटा पावर ट्वेल्व हो फोर पे एग्जैक्टली exactly डिविजल है तब भी इसकी वैल्यूवन होगी और अगर एयोटा का पावर जो है वो ट्वेंटी है फिर भी डिविजल है फोर पे तो इसके वैल्यू हमारे पास होगी वन अब इससे जो बड़े पावर्स हैं हमारे पास इसके टू तो पावर फाइव तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे अगेन आयोटा तो आयोटा का अगर आउट पावर हो या इवन पावर हो तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज़ हैं वो है माइनस वन प्लस वन, वन माइनस आयोटा एंड प्लस आटा कोई भी इंटीग्रल पावर का जो आंसर है आखिर में इन ही नंबर से आना से, आना चाहिए तो इसको मैं जनरलाइज करता हूँ इन्हीं वैल्यूज़ को फॉर एन बिलोंग्स टू स्टेफ एन टीजर्स जिसका हम जानते हैं कि ऑफ इंटीजर्स में नंबर जीरो होते हैं जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू एनस वन तो हमारे पास ये बहुत जनरल और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट हैं चार आयोटा रेस्ट पॉवर फोर एन एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स तो इससे हमारे पास हमेशा आएगा वन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है आयोटा का ये पॉर फोर पे एग्जैक्टली exactly डिविजिबल होगा जिस तरह मैंने यहाँ पे बात की है ये एट है ट्वेल्व है ट्वेंटी है तो इससे हमारे पास हमेशा आएगा वन ये बहुत ही खारा स्टेप अब आयोटा रेस्टो पॉवर फोर एन प्लस वन है कहीं पे अगर आयोटा का पावर हम फोर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर वन आता है तो एग्जैक्टली वही नंबर बाकी बचता है जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इसी नंबर को तो इस तरह ही बन जाता है आयोटा रेस्टो पॉर फोर एन एन टू आटोरेस्टो पॉर वन तो इससे हमारे पास आएगा इससे हमारे पास आता है वन इससे वन आता है तो आयोटा रह जाएगा तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो है एटोरेस्टो पावर वन सिमिलरली हमारे पास एटा रेस्टो पावर फोर एन प्लस टू हो अगर आयोटा का पावर हम फोर से डिवाइड करते हैं और टू रह जाता है टू तो हमारे पास इसका लास्ट आंसर आएगा माइनस वन क्यों इसलिए कि अगर इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं अब जरा देखें आयोटा रेस्टोपॉर फोर एन एन टू आयोटा स्क्वेयर रह जाएगा आयोटा का पॉवर दे पॉवर दोनों को मिल जाएगा तो आयोटा स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू है ये इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस वन और आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस वन डेट्स वाई एट्स आंसर वैलबी माइनस वन यहाँ पे आयोटा फोर एन प्लस थ्री है तो इसको हम स्प्लिट करते हैं एग्जैक्टली exactly इस तरीके से तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए आयोटा रेस्टोपॉर फोर एन एन टू एटा रेस्टो पावर थ्री और एोटा क्यूब से इससे तो हमारे पास आता है वन ये तो क्लियर है कि इससे वन आता है और एटा क्यूब को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है इसका आंसर है माइनस आयोटा तो द लास्ट आंसर विल बी माइनस आयोटा मैं जरा समराइज करूँ आयोटा का पावर अगर एग्जेक्टली exactly फोर पे डिविजिबल है तो इसके वाली वन फोर पर डिवाइड करते हैं आयोटा का पावर उससे वन रह जाता है तो आंसर आयोटा आयोटा रेस्टो पावर वन पावर फोर से डिवाइड करते हैं टू रह जाता है जैसे एटीन पावर है फोर फोर सिक्सटीन टू रह जाता है तो आयोटा आयोटा स्क्वायर की हमारे पास होती है माइनस वन आयोटा का पावर हम फोर पे डिवाइड करते हैं हमारे पास थ्री रह जाता है तो मीन आउब है और आयोटा क्यूब की वोल्यू हमारे पास यहां पर होती है माइनस आयोटा तो ये फोर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट बी नीड टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल एवर एन मीन एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा एन बिलोंग्स टू स्टेफन डीजर दिस कैन ऑलवेज बी रिड्यूस टू आदर वन से वन आएगा या आयोटा आएगा या आयोटा स्क्वेयर या आयोटा क्यूब इन चारों नंबर्स में ये हमेशा रिड्यूस होगा कोई बात नहीं अगर यहाँ पर एटा का पावर वन हंड्रेड क्यों ना हो आयोटा का पावर वन थर्टी नाइन क्यों ना हो लेकिन इन फोर टर्न में से आटा का कोई भी इंटीग्रल पावर जो है वो चेंज होता है इसके बाद हमारे पास दो तीन मतलब कि फाइव ऐसी बहुत ही क्रूशल रिजल्ट्स हैं आयोटा के हवाले से और वो ये कि जब हम ऐड करते हैं द सम ऑफ फोर कंजेटिव पावर्स ऑफ आयोटा द सम इज ऑलवेज जीरो क्यों जीरो आता है ये वन अपनी जगह पे ठीक है आयोटा भी ठीक है आयोटा स्क्वेयर से हमारे पास आता है माइनस वन आयोटा क्यूब से हमारे पास आता है माइनस आयोटा एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आयोटा क्यूब एज ऑलवेज माइनस आयोटा तो ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा कैंसल ये माइनस वन प्लस वन कैंसल द सम इज जीरो अभी हम बिल्कुल जनरलाइज भी कर सकते हैं ये रिजल्ट यहाँ पे डी में द सम ऑफ एनी फोर कंजिव इंटीग्रल पॉवर ऑफ आयोटा इज ज़ीरो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास आयोटा का पावर यहाँ पे जीरो से शुरू हुआ है आयोटा पावर जीरो आयोटा पावर वन आयोटा पावर टू आयोटा पावर थ्री जरूरी नहीं है लेकिन ये कंजीगेटिव हो आयोटा पावर जीरो वन टू थ्री से हमारे पास है आयोटा पावर सेवन प्लस आयोटा पावर एट प्लस आयोटा पावर नाइन प्लस एटा पॉवर टेन दिस विल ऑलवेज भी जीरो एटा के जो पॉवर है वो कंजीगेटिव है तरतीब पॉवर है मिसिंग पॉवर नहीं है तो इनके सम से हमेशा ज़ीरो आता है जब हम इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा की कन्जीगटिव फोर पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास माइनस वन आता है ये वन आएगा अपनी जगह पे ये आयोटा आएगा जिस तरह हमारे पास ये वन प्लस आयोटा और ये माइनस वन माइनस आयोटा आता इस तरीके से इसके हमारे पास वैल्यू है माइनस वन और इसके हमारे पास वैल्यू है माइनस आयोटा आयोटा क्यूब से माइनस आठ आता है इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें इससे माइनस वन आ रहा है माइनस वन इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से माइनस वन आता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आयोटा स्क्वायर आता है और माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है प्लस वन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है माइनस वन तो जो समर से रिजल्ट की है वो ये कि आयोटा के फोर कंजिव पावर्स के एडिशन से प्लस करने से ज़ीरो आता है और इनके कन्जिगेटिव आयोटा के कंजीगेटिव फोर पावर्स के मल्टीप्लिकेशन से माइनस वन आता है ये यहाँ पे हमने जनरलाइज किया हुआ है ये रिजल्ट ये ई प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कंजेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज माइनस वन ये वही रिजल्ट है ये इसका जर्नलाइज फॉर्म है ये सी जो है द रिप्रोकल ऑफ एटा एजेज माइनस आयोटा रेसिप्रोकल का मतलब है कि उसको वन और आयोटा लिखते हैं और इससे माइनस एटा क्यों आता है ये आप देख सकते हैं लेट मी एट ट इसके कंप्लिक्स कॉन्जुगेट आयोटा डी नोम से खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके कम्प्लैक्स कॉन्जुगेट से तो आयोटा का कांजुगेट है माइनस आयोटा इससे आपके पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये हमारे पास जो है इसके वेल हमारे पास है प्लस वन सो फाइनल रिजल्ट एज आयोटा सो दर प्रोकल ऑफ आयोटा एज ऑलवेज माइनस आयोटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर earth... है इस पर काफ़ी तोजो की जरूरत है और साथ साथ यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरोटा के पावर्स को सीटा पेन से मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है वन टू थ्री तो, फोर फाइव लाइक दिस इनकी जगह अगर हम एरोटा का पावर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर रखेंगे तो सिमिलरली हमारा रिजल्ट जो है इन चारों नंबर से माइनस वन प्लस वन प्लस एरोटा माइनस एरोटा से बाहर नहीं आएगा ये हमारे पास जरूर प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आयोटा में कन्वर्ट होता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये आप देख सकते हैं मैंने आयोटा को यहाँ पे नेगेटिव पावर दिए हुए हैं आयोटा पावर माइनस वन हो तो इसको आप देख सकते हैं वन और आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जो कि कंप्लेक्स का अनुजुगेट है आयोटा का इससे हमारे पास ये नंबर आ गया है एज आयोटा स्क्वेयर इज प्लस वन सो और फाइनल रिजल्ट इज माइनस आयोटा आउट ऑफ पावर माइनस टू हो तो उसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है फाइनल रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है माइनस वन आयोटा रेस्ट ऑफ पॉवर माइनस थ्री को वन और आयोटा क्यूब लिखा हुआ है सिंप्लीफाई किया है फाइनल हमारे पास यहाँ पे बन गया है आयोटा बिकॉज माइनस आयोटा प्लस वन सो आयोटा डिवाइड बाई प्लस वन मीन आयोटा आउट ऑफ पावर माइनस फोर को मैंने सिम्प्लीफाई किया हुआ है जिस तरह हमने यहाँ पे जनरल रिजल्ट लिखा हुआ है कि आयोटा का कोई भी पावर जो फोर पे एग्जैक्टली exactly डिविजिबल हो मुकम्मल डिवाइड होता हो तो उससे वन आता है तो ये हमारे पास आटा है सुपर फोर से वन तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट है ये वन तो अगर हमारे पास इंटीग्रल पॉज निगेटिव भी हो तब भी कोई बात नहीं हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आइसलेट करता है माइनस वन प्लस वन और माइनस आटा प्लस आटा के साथ थैंक यू